अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ऐसा है कि जी रात के 10 बज रहे हैं और इब्राहिम साहब जो हैं उनके डिमांड ये है कि उनको शदीद गर्मी लग रही है और कह रहे हैं कि मुझे जो है फालूदा खाना है। तो अब इब्राहिम साहब को लेके जाना है बाहर, ढूंढना है फालूदा, अगर मिल जाए तो उनको खिलाना भी। तो चलते हैं फिर फालूदा ले आए। हमारे पास 40 रुपए में फालूदा आएगा। 40 रुपए में फालूदा कौन सा आता है भाई? चलो चलते हैं भाई, देखते हैं 40 रुपए में कौन सा फालूदा आता है। अंधेरा हो गया। चलते हैं फालूदा ढूंढने भाई इब्राहिम के लिए। ठीक है चले जी, चलते हैं। कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा जी, आ गए हम लोग फालूदे की तलाश में। ये है पिशावरी, यहाँ पता करते हैं। सलाम वालेकुम, खरी से यार फालूदा होगा आपके पास? कितने का है? 200 रुपये का ले लिया है। हैप्पी हैं? दिखाओ। वाह वाह भाई, आज तो मजा आ जाएगा इब्राहिम। The next day. श्रोता लिए है कि आज 10 मुहर्रम है। रांची का मौसम जो है ना सुबह से बहुत ही ज़्यादा गर्म था। 1 बजे के बाद जो है ना थोड़ा सा बादल वगैरह निकलने, यह बहुत ही अच्छा मौसम होने जा रहा है। बस जो है ना मैं जा रहा हूँ लंच करने। मैं अकेले ही हूँ, मेरे साथ कभी फिलहाल मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। जी अल मदीना जो है इसका नाम तब्दील हो गया, पहले अल मदीना था यहाँ पे, अब हो गया हसन जई। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं बिरयानी खाने के लिए। मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिरयानी है? इधर चलते हैं बिरयानी खाने के लिए। खाली पड़ा हुआ है चूँकि 10 मुहर्रम है। एम्बियंस काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यार ऐसा करो चिकन ले आओ भाई, बीफ तो बहुत खाली है। अच्छा सिंगल बिरयानी मैंने मंगवाई है क्योंकि जाहिर सी बात है 1% के लिए काफ़ी होती है सिंगल बिरयानी। बीफ का मेरा मूड नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से बीफ चल रही थी, घर में भी ज़्यादा बीफ ज़्यादा पक रहा था। ये आ गई है जी चिकन बिरयानी। बिरयानी भी अच्छी होती है। अच्छा देखने में जो है वो चावल काफ़ी खिले खिले से लग रहे हैं, चावल अच्छे हैं। और चिकन का जो इन्होंने पीस दिया मुझे थोड़ा सा सीने का पीस लग रहा है, ट्राई करता हूँ मैं भाई। आप लोग भी लें, ये लीजिए लेने वाला, पहले मैं ट्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जायका है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, शायद इन्होंने थोड़ा स्पाइस कम रखी है। जो जाहिर सी बात है बिरयानी की जो कटिंग कर रहा होता है उस पर काफ़ी डिपेंड कर रहा होता है, जब बिरयानी की प्लेट बनाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि जी आप स्पाइसी रखें। अच्छा बिरयानी खा ली है। बिरयानी थोड़ी सी हल्की लगी है मुझे यहाँ की, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऑनेस्ट स्पीकिंग कह लीजिए कि हल्का सा जो है ना एक माइल्ड सा ठीक सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बिरयानी में जो इन्होंने घी वगैरह इस्तेमाल किया है वो तो चर्बी वगैरह सबके अंदर शामिल है। तो वल्लाह आलम साहब आप क्या बेहतर है। तो अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए। अच्छा चिकन जो है वो वैसे तो हमारे इलाके में भी मिलती है लेकिन यहाँ बाबोश का एक इलाका है, उधर 2-3 बैठे हुए हैं चिकन वाले जो कि अच्छे रेट पर दे देते हैं। ये आ जाए सवेरा चिकन। क्या किलो बस चिकन? 400 400 रुपये।
मोटा कलेजी के साथ। अच्छा जी चिकन ले लिए, अब जरा एक चीज़ और लेनी थी भाई। अभी मैंने देखा बिल्कुल फ्यूल जो है वो ख़त्म पे है, ये भी बिल्कुल एंड है, फ्यूल डलवा लें भाई पहले, ऐसा ना हो कि गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए और धक्का लगाना पड़े। अच्छा मैं सीएनजी जो भरवाता हूँ ना जब भी, तो ये है जामिन सीएनजी, सही होती है, मतलब कभी दो नंबर ही नहीं करता ये। अच्छा जी सी एन जी डलवा ली है, और एक ये तसल्ली हो गई कि जनाब अगर कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो भाई फ्यूल होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं चला, दो तीन दिन छुट्टियां थी तो मैं भी ज़रा बेफिक्र रहा कि कहीं आना जाना नहीं है, बस अभी गाड़ी निकाली है तो पता चला कि बिल्कुल खाली था टैंक, तो अभी जनाब डलवा लिया है फ्यूल, अब वापस जाना है घर की तरफ। ये कुछ सामान लिया था, ये सामान देना है, और अब ये देखें ओ इलेक्शन, चलते हैं अभी घर की तरफ। ये मेरिट वाला भी अच्छा है वैसे, ये देख रहे हैं कराची में जो है काफ़ी लोग ये बांटते हैं, ये आप देखें ये फैमिली है, इस फैमिली ने जो है ना ब्लैक कार वाली, इसने यहाँ पर दिया है, ये बिरयानी दिए लोगों को। अच्छा सीन ये है कि घर में तकरीबन सबके रोज़े हैं सिवाय मेरे, कि मैं उठा नहीं था सुबह, तो इनका वॉन्ग टॉन्ग बहुत अच्छा होता है, मालूम करते हैं कि है या नहीं। यार वॉन्ग टॉन्ग नहीं है, कब तक आएगा? पता नहीं, 4-5 बजे तक, 4-5 बजे तक आ जाएगा, अभी तो टाइम कम हुआ है, चलें 4-5 बजे चक्कर लगाएंगे। भाई ये फ्राई हो रहा है वॉन्ग टॉन्ग, हाथ के हाथ ले लेते हैं भैया, फिर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ये कसे श्री का मौका है तो मुझे 6 देने, ठीक है। अच्छा जी ये ले लिए हैं कसे श्री से हॉन्गकॉन्ग। अच्छा हॉन्गकॉन्ग मैंने क्यों लिए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है वो सबका रोज़ा है घर में सिवाय मेरे, तो ज़रा रोज़ेदारों की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा अभी सिर्फ 3 बजे हैं और रोज़ा खुलने में तकरीबन जो है वो 4 घंटे बाकी हैं, तो 4 घंटे पहले मैंने ये कुछ अफ्तारी का सामान ले लिया है। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर अगर आप शाम में आओ ना तो ये वॉन्ग टॉन्ग ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बहुत ही कम बनाते हैं, सिलेक्टेड तो हुकूमत ये बहुत ही लिमिटेड जो वॉन्ग टॉन्ग बनाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना इसको जल्दी लेना पड़ता है, अगर आपने नहीं लिया बर वक्त तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब काम मेरा हो गया है, मैंने सामान ले लिया है, वॉन्ग टॉन्ग भी ले लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ,